फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। आज आपको हम एक इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मारुति सियाज कंपनी का एक सॉकअप छुट्टा कर रहे हैं, जिसे हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ओपन किया जाता है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, हमने दोनों साइड से दो कूलर लगाया है। इस कूलर को टाइट करके स्प्रिंग का जो डिस्टेंस रहता है उसे डाउन किया गया है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, ये जो 19 नंबर का नट है इसे हमने ओपन किया है। इसके बाद से जो माउंट है, इसे सॉकअप माउंट कहते हैं, ये ओपन करेंगे। उसके बाद से आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक वाइसर दिया गया है। ये वाइसर क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये जो माउंट का डिस्टेंस रहता है, आप जब ये डालते हैं, ये देखिए इसके बीच में एक गैप है डिस्टेंस। अगर ये आप वाइसर नहीं डालते हैं, अगर ये बिना वाइसर डाले आप डालेंगे, तो आपका माउंट ये वाटी में टच होएगा। तो आप कभी भी इसे जब ओपन करेंगे तो इस बात को केयर कीजिएगा कि इसमें वाइसर है या नहीं है, ठीक है फ्रेंड। और ये है आपका सॉकअप बैरिंग, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं सॉकअप सही है कि कैसा है, क्या है। ये आपका सॉकअप बैरिंग हो गया, ठीक है। इसे ओपन कीजिए, ये निकालिए। ये है सॉकअप वाटी। अब इसका हम बफर ऑफर चेक करेंगे, सॉकअप कंडीशन चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सॉकअप बफर है। ये ठीक है, ये चल भी सकता है, इसे हम इसे भी चला सकते हैं, लेकिन हम चेंज कर देंगे, रिक्स नहीं लेंगे। दबाइए, पूरा दबा के छोड़िए। जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं, ये सॉकअप पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। ये क्या होता है, जब हम इसे डाउन करते हैं तो एक जगह पे स्टॉक हो जा रहा है। तो कस्टमर का कंप्लेन था कि गाड़ी जब खड्डे में जाती है, तो जब जंप करती है तो उसे रिटर्न फेंक देता है। तो आप देख सकते हैं, यही प्रॉब्लम है। ये देखिए, सॉकअप स्टॉक हो चुका है, नीचे नहीं दब रहा है। ये देखिए, हम पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जैसा कि था आपके सामने, हमने बता दिया ये सॉकअप ख़राब है। अब हम इसे रिप्लेस करेंगे, देख सकते हैं सॉकअप पूरी तरह से ख़राब हो चुका है।